हाँ, तो हमने इसमें क्या समझा था कि जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। बस फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट और रह गया है, वो थोड़ा सा आप लोग और ध्यान से समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है पी क्यू आर एस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इसमें आपने ये बना दी एक रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, यहां पे लगा दिया आपने गैल्वेनोमीटर। जब तक ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही इसको कॉइल को बाहर ले जाएंगे या इस कॉइल को अंदर लेके आएंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा गैल्वेनोमीटर में। अब बाहर ले जाने या अंदर ले जाने से क्या होगा, देखिए समझिए। अगर हम इसको बाहर ले जाएंगे तो यहां जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हो रही है इनमें डिक्रीमेंट होगा। कि कैसे होगा, मान लो ये है कॉइल, अब इस कॉइल को बाहर ले जाएंगे तो इसका इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कम होता जाएगा। मान लो अभी ये बीसी यहां है, अब बीसी मान लो यहां यहां हो जाएगी, क्योंकि फिर तो ये एरिया कम हुआ इसका, ये भी आगे बढ़ेगा, वो मैंने मैं भी कर रहा हूं। तो जैसे जैसे बाहर ले जाएंगे वैसे वैसे इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का एरिया कम हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कम होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आएगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। अंदर लेके आएंगे, मान लो इसको अंदर तक लेके आएंगे, देखिए बराबर कंटिन्यू एरिया इसका इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और यहाँ पर करंट फिर से फ्लो होने लगेगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पे अगर हम मूवमेंट कर दें बंद, ना अंदर ले जाए ना बाहर ले जाए, डिफ्लेक्शन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर कॉइल को बाहर या अंदर लेके आने से ही करंट फ्लो हो सकता है, अगर कहीं पर रोक देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये है कॉइल, आपने क्या इस कॉइल को यहाँ पे रख दीजिए, क्या अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। आपने यहाँ रख दीजिए, होगा नहीं होगा, यहाँ ये होगा नहीं होगा, यहाँ रख दीजिए होगा नहीं होगा। जब तक मूवमेंट होता रहेगा तब तक करंट फ्लो होगा। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होना। तो जब तक किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहेगा तब तक उस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती रहेगी। मूवमेंट अगर बंद हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो ये फैराडे के तीन एक्सपेरिमेंट थे। इन तीनों एक्सपेरिमेंट में हमने यही समझा कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस। तो फैराडे ने अपने फाइनल कंडीशन में ये कहा कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू अ कॉइल और सर्किट चेंजेस देन इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब तक चेंज होगा तब तक करंट, चेंज होना बंद